क्यों है ऐसा कि 80% रिलेशनशिप्स एक वुमेन की तरफ से एंड होती है? क्यों है ऐसा कि 90% एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर एक मेन की तरफ से इनिशिएट होते हैं? क्यों है ऐसा कि एक कपल एक ही रिलेशनशिप में रहते हुए लव और सेक्स को लेकर अलग माइंडसेट रखता है? लव और सेक्स को लेकर एक मेल और फीमेल का ब्रेन डिफरेंटली सोचता है? क्या डिफरेंसेस है बेसिकली? ये इन डिफरेंसेस के बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। वेल, किसी भी रिलेशनशिप में या किसी भी इंडिविजुअल की जिंदगी में लव और सेक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, राइट? और लव और सेक्स को लेकर एक मेल और एक फीमेल का जो ब्रेन है वो बहुत ही डिफरेंटली वायर्ड है, वो बहुत ही डिफरेंटली प्रोग्राम्ड है। और एक फीमेल इन दो चीज़ों को जिस तरह से देखती है, मेल उन दो चीज़ों को बिल्कुल ही अलग तरीके से देखता है। और ये चीज़ समझने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि इन डायनामिक्स को अगर हम समझ गए तो वी कैन हैव अ बेटर रिलेशनशिप, वी कैन हैव अ बेटर कंपेटेबिलिटी। हम अपोजिट सेक्स को ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं, राइट? सबसे पहले हम बात करेंगे एक फीमेल का क्या एंगल है लव और सेक्स को लेकर किसी भी रिलेशनशिप में। बेसिकली लव और सेक्स एक फीमेल के लिए इंटरकनेक्टेड टर्म्स है। इट मीन्स दैट अनलेस शी फील्स दैट शी इज बीइंग लव्ड और शी इज बीइंग टेकन केयर ऑफ, शी वॉन्ट बी कंफर्टेबल फॉर हैविंग सेक्स विद एनीवन, यू नो। एक वुमेन के लिए किसी भी व्यक्ति के साथ सेक्स करने के लिए ज़रूरी है कि उसके पास वो इमोशंस हो, वो फीलिंग्स हो सामने वाले व्यक्ति को लेकर, और सामने वाले व्यक्ति से भी उसको वो फीलिंग्स रिसीव हो रही हो, तभी जाकर वो ज़्यादा कंफर्टेबल होती है। इनफैक्ट कई बार कई मेल्स ट्राई करते हैं फीमेल्स पर, यू नो, उन्हें कन्विंस करने की दैट व्हाई कांट वी हैव सेक्स, व्हाट्स रॉन्ग इन दिस, इज अ वेरी यूजुअल स्टफ, वी कैन हैव दिस, बट स्टिल आवर वुमेन डोंट फाइंड हरसेल्फ कंफर्टेबल विद दिस, यू नो, अनलेस शी फील दैट इमोशनल कनेक्शन विद दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल। एक वुमेन के लिए सेक्स एक कैटलिस्ट की तरह है जो वो किस तरह से यूज़ करती है। जब भी किसी व्यक्ति के साथ उसका इमोशनल बॉन्ड बन रहा है या वो फीलिंग्स उसके साथ डेवलप हो रही है, उसके साथ एक कनेक्शन बन रहा है, उस व्यक्ति के साथ वो वुमेन जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स करना पसंद करेगी, राइट? और उसका रीज़न ये होगा कि वो चाहती है कि वो चीज़ करने से शायद उसका रिलेशनशिप और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, वो फीलिंग्स और वो इमोशनल कनेक्शन और बेहतर हो जाएगा, राइट? ऑफकोर्स सेक्स कैन गिव एन अल्टीमेट प्लेजर, बट स्टिल एक वुमेन के लिए उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो रिलेशन को नर्चर करना और उसको स्ट्रांग बनाना होता है। इसलिए कहते हैं कि सेक्स इज अ प्राइस अ वुमेन पे फॉर अ मैरिज। सेक्स वो कीमत है जो एक औरत शादी के लिए चुकाती है ताकि एक जिंदगी भर के लिए कंपेनियन उसे मिल सके, एक ऐसा व्यक्ति मिल सके जिसके साथ वो पूरी जिंदगी बिता सके, एक स्ट्रांग बॉन्ड वो बना सके, राइट? एक वुमेन की प्राइमरी नीड कभी भी सेक्स नहीं है, उसकी प्राइमरी नीड वो फीलिंग्स, वो इमोशंस और वो रिलेशनशिप्स है, यू नो। अब दूसरी बात यहाँ पर यह आती है कि 80% वुमेन रिलेशनशिप को एंड क्यों कर देती है। देखिए, एज ए काउंसलर मैं कई लोगों से मिलता हूँ और मैंने देखा है कि कई लोगों के रिलेशनशिप में वो स्टेज आ जाता है जहाँ पर वो इनिशियल लेवल पर जो इमोशंस और वो जो कनेक्शन, वो जो बॉन्ड हुआ करते थे, वो चीज़ें नहीं होती। इनफैक्ट आपने कई बार किसी वुमेन से सुना होगा कि अब मुझे वो चीज़ फील ही नहीं होती, ऐसा लगता है कि जैसे हम लोगों के बीच में प्यार है ही नहीं, बस हम साथ में रह रहे हैं, हम साथ में बातें कर रहे हैं, मिल रहे हैं, वी आर हैविंग फिजिकल स्टफ टुगेदर, बट वी डोंट हैव दोज इमोशनल फीलिंग्स, हम पहले जैसा वो लगता ही नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि एक वुमेन रिलेशनशिप में आई ही उन फीलिंग्स और उन इमोशंस के लिए थी, और अब जब वही नहीं है उस रिलेशनशिप में तो उस रिश्ते की ज़रूरत क्या है? दैट्स अ रीज़न वुमेन क्विट दैट रिलेशनशिप, यू नो। और एक मैन को ऐसा लगता है कि सब अच्छा ही तो चल रहा है, मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, यू नो, वी आर हैविंग द फिजिकल रिलेशनशिप ऑल्सो, एवरीथिंग इज सो फाइन, बट स्ट्रॉन्ग उसे समझ में ही नहीं आती है। क्यों? क्योंकि उसकी प्रायोरिटी वो इमोशंस और फीलिंग्स उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी फीमेल की है। और फीमेल को एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, दैट शी वॉन्ट टू बी रीअश्योर्ड, यू नो, वेरी ऑफन आपको उसे बार बार बताते रहना पड़ेगा दैट शी इज स्टिल बींग लव्ड, राइट? उसे आप आज भी उतना ही प्यार करते हैं, आज भी आपके लिए वो उतनी इंपॉर्टेंट है, ये एक फीमेल के लिए ज़रूरी है। पर एक मेल को ऐसा लगता है जब हर चीज़ अच्छी चल रही है, व्हेन एवरीथिंग इज गोइंग सो वेल सो फाइन, व्हाई देयर इज अ नीड टू प्रूव दैट आई स्टिल लव यू, ये प्रूव करने की ज़रूरत क्यों है? क्या आपको तुमको नहीं लगता कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? बट मैन, फीमेल्स ब्रेन आर मेड लाइक दैट, यू नो, उनका दिमाग ही ऐसा बना है कि उन्हें इस चीज़ की ज़रूरत है, आपको उसे महसूस कराना पड़ेगा, अदरवाइज उसके अंदर वो नेगेटिविटी आना शुरू हो जाती है, राइट? सो दिस इज हाउ फीमेल ब्रेन्स आर। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो एक फीमेल बहुत जल्दी ये सोच सकती है दैट शी इज़ बीइंग यूज्ड, यू नो, उसका यूज़ हो रहा है, वहाँ पर वो इमोशनल कनेक्शन उसे नहीं लग रहा है, वहाँ पर उसे अच्छा नहीं लग रहा, रिलेशनशिप में ऐसा लग रहा है कि बस सामने वाले की इच्छा पूर्ति के लिए ही बस मैं रिलेशनशिप में हूँ, इससे ज़्यादा उसे कुछ और फील नहीं होता।
और एक और चीज जो मुझे आपको बतानी है कि एक फीमेल जो हैप्पीली मैरिड है उसके बहुत ही रेयर चांस है कि वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़े, राइट? क्योंकि हैप्पीली मैरिड है मतलब इमोशनली फुलफिल्ड है, और इमोशनली फुलफिल्ड अगर कोई विमेन है तो उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का कोई चांस नहीं है। सपोज कोई विमेन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पकड़ी गई, राइट? अगर उससे पूछे कि आपने ये सब क्यों किया, और अगर वो ये कहे कि बस ये गलती हो गई, वो ऐसा कोई फील नहीं करती उस इंसान के लिए, या फिर इमोशनली ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है, बस उससे गलती हो गया और ये सब चीज़ें हो गई, राइट? इसका मतलब ये कि वो झूठ बोल रही है। नो वुमन कैन हैव अ फिजिकल रिलेशनशिप विद एनीवन विदाउट एनी इमोशनल कनेक्शन, यू नो। तो वुमेन के बारे में लव और सेक्स का मामला थोड़ा ऐसा है। अब बात कर लेते कि मैन के लिए लव और सेक्स के क्या मायने हैं। जैसे वुमेन के लिए लव और सेक्स इंटरकनेक्टेड टर्म्स हैं, उसी तरह से एक मेल के लिए ये दोनों टर्म्स बिल्कुल सेपरेटेड है। एक मेल के ब्रेन के लिए लव और सेक्स बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं, यू नो। फॉर अ मैन लव इज लव, सेक्स इज सेक्स, एंड समटाइम दे बोथ कम्स टुगेदर, यू नो, दिस इज हाउ इट इज। एक मैन के लिए कभी भी जरूरी नहीं है इमोशनल कनेक्शन या इमोशंस को फील करना किसी के साथ सेक्स करने के लिए। इसलिए आप देखिए कि प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाने वालों में ज्यादा नंबर्स मेल का होता है। इसलिए आप देखेंगे कि रेप्स में और हैरेसमेंट में ज्यादातर मेल्स लोगों का इन्वॉल्वमेंट पाया जाता है, राइट? और ये हो रहा है इसका मतलब ये कि उन्हें इमोशनल नीड्स की जरूरत नहीं है। दे वॉन्टेड टू बी सेटिस्फाइड सेक्शुअली, राइट? और उस चीज़ के लिए वो वहाँ जाते। अगर वो इमोशन सीख कर रहे होते तो वो प्रोस्टिट्यूट के पास इतने नहीं जा रहे होते, राइट? तो बेसिकली ये उनकी एक प्राइमरी नीड है। इनफैक्ट हो सकता है कि आपने किसी वुमेन को ये कहते हुए भी सुना हो कि हाउ कैन आई स्लिप विद समबडी हुम आई डोंट इवन लव, हुम आई डोंट इवन फील एनीथिंग फॉर, राइट? बट मैन इज डिफरेंट मैन, उनके साथ थोड़ा अलग है। दे डोंट नीड टू फील एनीथिंग फॉर हैविंग सेक्स विद समबडी, राइट? और मैन की प्राइमरी नीड सेक्स क्यों है? मे बी द हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल इज द रीजन, पर आप इस चीज से जज नहीं कर सकते क्योंकि सेक्स को लेकर हम उनका एंगल बता रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो प्यार नहीं करते या उनमें इमोशंस नहीं है, उनमें फीलिंग्स नहीं है, बट सेक्सुअल स्टफ इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ मैन। और इसलिए ऐसा कहते हैं कि मैरिज इज द प्राइस अ मैन पे फॉर द सेक्स, यू नो। शादी वो कीमत है जो एक आदमी सेक्स के लिए चुकाता है ताकि उसे जिंदगी भर सेक्स वाली जो चीजें हैं उसे मिलती रहे। नाउ व्हाई इज दैट 90% एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आर इनिशिएटेड बाय अ मैन जस्ट फॉर हैविंग दैट एक्स्ट्रा स्पून ऑफ चीज। ऐसा नहीं है कि ये लोग हैप्पीली मैरिड नहीं है, बट यू नो एज आई सेड इनका ब्रेन लव और सेक्स को डिफरेंट रखता है। इन्हें ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने सेक्स किसी इंसान के साथ कर भी लिया तो उससे उतना फर्क नहीं पड़ेगा, प्यार तो वो अपनी वाइफ को ही करते हैं। इस तरह की चीजें उनके साथ होती है और वो इस तरह के रिलेशनशिप में पड़ जाना चाहते हैं। जब भी कोई व्यक्ति एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में अगर पकड़ा जाए तो आमतौर पर उसकी पार्टनर ये सोचेगी कि अब शायद ही मुझे उतना प्यार नहीं करता, ये किसी और को चाहता है। और जब वो कह रहा होता है कि नो 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 आई डोंट फील एनीथिंग फॉर हर, इट वॉज जस्ट अ मिस्टेक, हो गया वो मुझसे गलती से, वहाँ इमोशन जैसी कोई चीज़ नहीं है, तो चांसेस है कि वो व्यक्ति सही बोल रहा है क्योंकि मैन के साथ ये चीज़ होती है। और इन सब चीज़ों को देखते हुए ऐसा कहा गया है कि अ वुमन वॉन्ट्स अ लॉट ऑफ सेक्स with a man she loves and a man just want a lot of sex, that's it, you know, this is how it is. और इस पूरी बातचीत का essence क्या है, ये बात मैंने आपको क्यों बताई? देखिए जब भी किसी female का extra affair होता है तो आम तौर पर males उसको इस तरह से सोचते हैं जैसे वो physically incapable है या वो physically सामने वाले को satisfy नहीं कर पाए। पर मैं आपको बता दूँ कि वो physical वाली need आपकी ज़्यादा है, उस female की उतनी नहीं है। अगर उसने एक्स्ट्रा अफेयर बनाया है इसका मतलब शी इज इमोशनली अनफुलफिल्ड। जरूरी नहीं कि वो फिजिकली सेटिस्फाई नहीं थी इसलिए वहां भी, चांसेस ज्यादा ये है कि वो इमोशनली सेटिस्फाई नहीं है आपके साथ और वो इमोशनल सपोर्ट उसे कहीं और से मिल रहा है इसलिए उसने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बना लिया। ये चीज यहां पर समझनी है। अगर आप कुछ अच्छा कर सकें तो अपनी वाइफ को या अपनी गर्लफ्रेंड को बेहतर इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करें। दूसरी चीज कि जब भी एक मेल एक्स्ट्रा अफेयर बनाता है तो फीमेल्स आमतौर पर इस तरह से सोचती है कि क्योंकि वो खुद इमोशंस को ज्यादा वैल्यू करती है, शी नोज कि विदाउट एनी इमोशनल कनेक्शन शी कांट हैव सेक्स विद एनीवन, राइट? तो उसे ऐसा लगता है कि मैन के साथ भी ऐसे ही होगा। तो उसका मानना ऐसा रहता है कि अगर वो किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है या एक्स्ट्रा अफेयर में है तो जरूर वो उस बंदी को चाहता होगा या उससे प्यार करता होगा और अब वो मुझे उतना प्यार नहीं करता। पर मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इमोशनल नीड्स के लिए कभी भी एक व्यक्ति एक्स्ट्रा अफेयर बनाता ही नहीं, एक मेल बेसिकली, यू नो। ये वो बातें थी बेसिकली दोस्तों जो लव और सेक्स को लेकर एक मेल और फीमेल के ब्रेन में डिफरेंसेस होते हैं। इनके डिफरेंसेस में इनकी जो वायरिंग है, इनके ब्रेन्स को जिस तरह से बनाया है उसके हिसाब से ये प्रायोरिटी इन दोनों में होती है कि फीमेल के लिए वो इंटरकनेक्टेड है, मेल के लिए वो बिल्कुल ही सेपरेटेड है। और इस वजह से
इन एक ही चीज़ को लेकर इन दोनों की माइंडसेट बिल्कुल अलग होती है। तो ये मुझे आज ज़रूरी लगा कि मैं आप लोगों को बताऊं। और अगर कपल एजुकेशन या कपल लिटरेसी के इस तरह के स्टफ्स अगर आप आगे भी मुझसे लेते रहना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के नगेट्स आपको मिलते रहें, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोई भी फीडबैक है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वेल दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। हम सो के आए किसी के साथ पैसे दे के? कोई बात नहीं, तुमको बुरा नहीं लग रहा है? बाहर जाके सेक्स की है, हम माफ कर देंगे। बाहर जाके दिल लगा लिए तो नहीं करेंगे। Thank you.